बीजेपी नेता इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। आज उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया जाएगा। इमरान मसूद यूपी में बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे, उसके बाद में मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल हुए, लेकिन मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब फिर से इमरान मसूद कांग्रेस में घर वापसी के लिए तैयार हैं। मैंने बसपा को रुख्सत नहीं किया, बसपा ने मुझे रुख्सत किया। तो कांग्रेस असल में मैं छोड़ना ही चाहता था, तो अल्लाह का शुक्र है कि प्रियंका जी ने, राहुल जी ने क्लियरेंस दिया, उनका स्नेह मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा तो दोबारा कांग्रेस में आ गया। नहीं देखिए बहन जी, असल में क्या है कि बहन जी बहुत कम लोगों से तो मिलती हैं, उन कम लोगों में मैं भी शामिल था। मैंने थोड़ा सा कहा, मैंने कहा बहन जी जो मूवमेंट काशीराम जी ने और आपने पूरी ज़िंदगी दे करके खड़ा किया, वो आपका पूरा मूवमेंट 2007 में सरकार बना लेता है लेकिन 2022 में दम तोड़ देता है। उसको पुनर्जीवित करना है तो हमें आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे कुछ। अब जहां मैं रहूंगा वहां ईमानदारी के साथ सलाह दूंगा, ईमानदारी के साथ, मानना ना मानना उनका काम है। अब वो बात उनको पता नहीं क्या लगा, क्योंकि जब मेरा राहुल जी के साथ और प्रियंका जी के साथ, गांधी फैमिली के साथ पहले से ही मेरा उनका, चूंकि मेरा उनसे जो रिश्ता है वो मैंने कभी ख़त्म ही नहीं कर पाया, ना ख़त्म हो पाता हूँ। वो इतना स्नेह का रिश्ता था। मैंने एक जगह राहुल जी के बारे में बोला, उन्होंने पूछ दिया तो पता चला कि वही बात बुरी लग गई, उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा जो करें। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को जोड़ने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम के तहत में बीजेपी के देश भर में अल्पसंख्यक महिलाएं प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी और अल्पसंख्यक महिलाएं पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करेंगी। शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम के तहत में हर जिले में डीएम को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अल्पसंख्यक महिलाएं, ट्रिपल तलाक महिलाएं, महिला आरक्षण कानून और अकेले महिलाओं को हज पर जाने की छूट जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहेंगे। देश में हर प्रदेश से तकरीबन 1,00,000 अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्हें शुक्रिया अदा करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में हम मुसलमानों के लिए इतने सारे सौगात दिए हैं कि हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें कम है। फिर भी जो महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, जैसे कि अभी महिला बिल लेकर आरक्षण उन्होंने हमें दिया है, हमारी बहनों को उन्होंने 3 तलाक से आजादी दिलाई है, इसके लिए हमने अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से तय किया है कि हमारी जितनी बहने हैं जिला स्तर पर हम एक शुक्रिया मोदी का कार्यक्रम चलाएंगे। शुक्रिया मोदी के कार्यक्रम में हम एक धन्यवाद प्रस्ताव बनाएंगे मोदी जी के लिए। उस धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हम जिलाधिकारी के पास जाएंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से हम उसको माननीय प्रधानमंत्री तक उस धन्यवाद प्रस्ताव को भेजेंगे